रजिस्ट्रेशन पर आप पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये ऑथेंटिकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट इसलिए दिखा रहा है कि ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ होगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। यहाँ से व्यू फील्ड फॉर्म जो है वो एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म फिल किया था वो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे ही आप यहाँ पर कर रहे मैसेज जो आ रहा है योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट, फॉर कम्प्लीटिंग पे रिक्वायर्ड फी आफ्टर ओनली पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फी योर रजिस्ट्रेशन विल बी कम्प्लीटेड, देन इसको कट कर देना है। कट करने के बाद नीचे आना है। ठीक है बच्चों, नीचे आएंगे तो काउंसलिंग में जो है वो पैसा जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, काउंसलिंग में पैसा नहीं लगता है। ठीक है, वो पैसे के लिए जो है वो पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है, लेकिन काउंसलिंग में पैसा जो है वो नहीं लगता है। सिर्फ सिंपली डैशबोर्ड पर हम आते हैं बच्चों, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जैसे ही मैनेज वाला ऑप्शन जो है वो ओपन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट बताता है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहा जाता है योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट, फॉर कम्प्लीटेशन प्लीज़ पे द रिक्वायर्ड फी, ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फी द योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कम्प्लीट। बच्चों काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी पैसे की कहीं बात नहीं की गई है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। ये क्या है कि ये छोटा सा बग है, ये बाद में ऑटोमेटिक जो है वो ठीक हो जाएगा। किन्हीं बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी फ़ी का ऑप्शन भी नहीं दिया गया और पैसा भी काउंसलिंग में नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, देन आपको होम के ऑप्शन पर आना है। उसके बाद होम के ऑप्शन पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड के बाद आपको क्या करना है, मैनेज एंड फिल चॉइस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बच्चों अब क्या करनी है, आपको करनी है चॉइस फिलिंग। बच्चों चॉइस फिलिंग करने के लिए कैंडिडेट प्रोफाइल जो है आप चेक कर लेंगे, आपका प्रोफाइल जो है वो मैच करता है या नहीं करता है। यहाँ से देख लीजिए आपका पूरा प्रोफाइल जो है वो दिख जाएगा। उसके बाद अवेलेबल चॉइस के ऑप्शन पर जो है हम आते हैं। ठीक है बच्चों, अवेलेबल चॉइस में सारे कॉलेजेस आ जाएंगे जिसको आप चॉइस फिल के कॉलेज में लिस्ट में जो है वो नाम डाल सकते हैं। बच्चों अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस चाहिए तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि फ़िल्टर जैसे ही करेंगे तो आपके सीएस वाले जितने भी कॉलेजेस हैं वो आ जाएंगे। आप यहां से आप जो है रैंक बेस आपको पहले से प्रेफरेंस बना लेना है और उस कॉलेज को जो है वो आपको यहां से ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यहां से क्लिक करना है। यहां से अवेलेबल चॉइस आप सिर्फ देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के लिए सिर्फ सिंपली जो है आप यहां पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो है वो फिर से पासवर्ड जो है वो इंटर करेंगे। देन आपको पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर लेना है, तभी जो है आप चॉइस फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट यहां सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम के लिए यहां पे आपको कंप्यूटर साइंस करेंगे, कोर ब्रांच यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ब्रांच कोर ब्रांच के आ जाएंगे। यहां से आप जो है वो ऐड करेंगे, कॉलेजेस इधर आ जाएंगे। बच्चों आपको अपने रैंक के हिसाब से पहले प्रेफरेंस जो है वो तैयार कर लेना है, उस तरीके से आपको चॉइस फिल करनी है। जैसे तैसे चॉइस फिल करेंगे कॉलेजेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि इस बच्चे को 35 परसेंटाइल है तो 35 परसेंटाइल में मैं इस बच्चे को सीएस और ईसी ही चाहिए तो मैं कैसे इसको चॉइस फिल करता हूँ, बस इस चीज़ को आपको गौर से देखिएगा। तब जब बच्चों का सीट अलॉटमेंट होगा उसमें क्या होगा कि जो चॉइस फिल हुआ है उसके बेस पे हर बच्चों का जो नंबर वन चॉइस है वो देखा जाएगा। अगर मानो कि बिहार इंजीनियरिंग में टोटल 100 सीट है, ठीक है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा सीट है, 10-12 हज़ार के आसपास सीट है। अगर मान के चलो कि 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट में 100 सीट तो ऐसा है नहीं कि उसको फर्स्ट ही राउंड में बिहार इंजीनियरिंग को ही अलॉट कर देना है। उसको बीसीसी के लिए भी कुछ रखना है और सेकेंड राउंड के लिए भी कुछ रखना है। तो जहाँ उसको अगर मान के चलो कि फर्स्ट जो चॉइस फील है उसी पे उसको अगर जो क्राइटेरिया सेट है अगर उतना बच्चा हो जाता है तो वो चॉइस नंबर 2 पर 3 पर क्यों जाएगा। तो चीज़ें ये हो जाती है, जो कॉलेजेस आपको नहीं मिलना है आपको वो कॉलेजेस नहीं डालना। हाँ डालना है, बस आप क्या है कि कुछ कॉलेजेस लेके चलिए, उसको आपको नीचे लेकर के चलना है। ठीक है, ये कॉलेजेस को भी हम डालेंगे लेकिन इसी के बाद डालेंगे। ठीक है,
बच्चों जैसे कि आप क्या करना है कि सीएस का चॉइस फील जो है मैंने कर लिया है, उसके बाद ईसी का डालना है, ठीक है, ईसी का। एक सेकंड रुक जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डालना है तो सिंपली यहाँ पे फिल्टर करेंगे, साले कॉलेजेस जो है ईसी का जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसका चॉइस फील ऐड करेंगे, कॉलेजेस इधर आपके आ जाएंगे। बच्चों इस बच्चे का क्या है कि 35 परसेंटाइल है, अगर बात करें यूआर रैंक की तो 10,000 के आसपास है, और कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस रैंक की बात करें तो 1900 के आसपास है। बच्चों इस बच्चे को जो मैंने रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग की है, मैंने पहले रैंक को एनालाइज किया, उसके बाद बच्चे को पहले क्या था कि अपना घर के पास कॉलेज चाहिए था, उसके बाद टॉप कॉलेजेस चाहिए थे जो मैंने बताया, ठीक है। बच्चों इस बच्चे को बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो नहीं मिलते टॉप के जो है। बच्चों क्या है कि सेव आपको कर लेना है जो भी आपने चॉइस जो है वो फिल किया है, ठीक है। यहाँ पे 20 से 25 मिनट का टाइमर चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पोर्टल लॉक हो जाएगा। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो आपका जो चॉइस फिल है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, इसलिए आपको बीच बीच में सेव करते रहना है। तो बच्चों मैंने बताया था इसका 35 परसेंटाइल है, तो मैंने बच्चों इसको एक टॉप कॉलेजेस मैंने रखे हैं जो इसको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि जो बख्तियारपुर है, चंडी है, इस सब में इसको सीएस नहीं मिलेगा। इसका घर जो है वो बेगूसराय के नज़दीक है, इसलिए मैंने एक नज़दीक का कॉलेज, पहले एक टॉप का कॉलेज रखा, फिर घर के नज़दीक का कॉलेज रखा, इन दोनों को मैंने प्रेफरेंस बनाया। उसके बाद बच्चों मैंने कॉलेजेस वो सब कॉलेज डाले हैं जो इस बच्चे को कॉलेजेस मिल सकता है, ठीक है, और उसके घर के पास का कॉलेजेस है, ठीक है, और ऐसे कॉलेजेस को मैंने जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसको नीचे डाल दिया है फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। जो कॉलेजेस आपको नहीं मिलने हैं उसको आपको ऊपर रखने से आप स्टेप जो है वो खा जाएंगे। मैंने पहले बताया कि सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से चॉइस फिल कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट के थ्रू चॉइस फिल करवाना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कॉल करके आप लोग जो है चॉइस फिलिंग के लिए हमारे एक्सपर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ये नंबर दिया गया है 7870884809, इस पर कॉल या मैसेज करके आप अपना सीट बुक कर लीजिए और पेड काउंसलिंग करके काउंसलिंग कराइए। 100% आपका अच्छे से अच्छे कॉलेज में मैं एडमिशन जो है वो आप सबों का करवा दूंगा थ्रू काउंसलिंग।